लिया इसको, ऐसे इसको बंद किया, देखो यार वी आर इसमी बाबाई, आप लोगों को तो पता ही चल गया। और ये है जिम जॉम हमारा, तो हाय हाय सबको, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? बहुत अच्छे हो, उम्मीद तो, करती है बहुत अच्छे हो। तो जिम जॉम ने हाय बोल दिया तो अभी फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, हमारा पहला फूड ब्लॉग है, फर्स्ट फूड ब्लॉग ऑफ पेरिस। तो बहुत मज़ेदार होने वाला है वीडियो, ज़रूर पूरा देखना। आपको पता ही है पेरिस का फूड, जिन जिन्होंने देखा है उनको तो पता ही होगा, नहीं देखा तो देखने के लिए वीडियो जरूर पूरा देखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पेरिस का फूड सारा दिखाएंगे। तो अभी से शुरू होगा हमारा फूड ब्लॉग, सभी कुछ मिला के। तो फूड ब्लॉग हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी था, तो वही अब चालू करेंगे आज से। तो विश कीजिएगा कि हमारा फूड ब्लॉग अच्छा हो और आप लोगों को अच्छा अच्छा वीडियो दे पाऊँ। तो पूरा देखना और इंजॉय करना वीडियो, और लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो जाते हैं, फिर जाकर मिलते हैं उधर। तो इसके लिए किधर जा रहा है, क्या खा रहा है, तो इसके इसको देखने के लिए वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। तो अभी हम जाएंगे, जाकर ही उधर मिलते हैं आप लोगों के साथ। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना एक अच्छा लगे तो, और लाइक कमेंट करना तो मत भूलना। तो यही रेस्टोरेंट पे हम जाएंगे, वो ग्रिल देख सकते हो आप लोग। तो इसके अंदर जाके हम अभी सारा दिखाएंगे आपको, इधर का खाना और इधर रास्ते का व्यू आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं आसपास का। तो चलो जाते हैं इसके अंदर, देखो अभी जाके फिर दिखाते हैं आपको सारा कुछ, इधर का पूरा रिव्यू देता है जितना भी हमसे हो सके। तो वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स जरूर। देखो आपको मेनू दिखा देते हैं, इधर का मेनू का एक ओवरव्यू देते हैं आपको, तो देख सकते हो आप लोग। तो बेसिकली ये एक तुर्की रेस्टोरेंट है, तुर्की, तो इसका नाम ये है ओ ग्रिल, इसका नाम है देख सकते हो ओ ग्रिल। और ये हमारा जिम जॉम बैठी है, ऑर्डर देने के लिए रेडी है। तो इधर क्या क्या मिल सकता है आपको दिखा देते हैं थोड़ा एक मेनू कार्ड में। तो ये देखो डोनर कबाब, ये तुर्की का स्पेशलिटी है। तो ये डोनर कबाब 10 यूरो, ये सारा इधर दिया हुआ है देख सकते हो आप लोग। तो हम जो खाएंगे वो आपको दिखाएंगे, हमने क्या क्या चूज़ किया और कितना प्राइस है उसका, वो भी दिखाकर दे दिया अभी। तो क्या क्या दिया वो अभी अब जब आएगा तब दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी क्या करेंगे, आपको पूरा रेस्टोरेंट का थोड़ा सा एक व्यू देंगे, किचन का एक व्यू देंगे। तो वीडियो पूरा देखना, ज़रूर देखना। वाला शेफ, सो आप देख रहे हो ये बुशेट बन रहा है ग्रिल में, तो ये ग्रिल बन रहा है देखो इधर ही, बहुत 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 टेस्टी होता है क्योंकि ये ग्रिल कर रहा है। अभी उन्होंने हमें परमिशन दिया मुझे कि किचन में जाने का, किचन में जाके कुछ शूट करने का, तो दिखा रहा हूँ। और इधर देखो एक केबाब कट रहा है, तो ये सबसे फेमस है तुर्की में, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। तो एक केबाब काट रहा है, वाओ लुक एट दैट फ्रेंड्स, ऑसम ऑसम ऑसम, जस्ट नेक्स्ट लेवल, ऑसम ऑसम। तो भाई ने अभी बोला है सारा दिखाने का, मिस बहुत 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 अच्छा है भाई। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या क्या है इसके अंदर मेनू में, क्या क्या है इसका सारा दिखाऊंगा। रेस्टोरेंट का एम्बियंस घुमा के दिखा देते हैं सारा। खाना ऑर्डर दे दिया और आप लोगों को सारा घुमा के भी देख दिया, दिखा दिया। तो अभी वेट कर रहे हैं हम खाना आने के लिए, भूख लगी है। देखो उधर एक मैडम को बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो जिम जॉम भी बहुत दिनों से बोल रहा था उसको आसियत खाना है, और आसियत क्या है आपको दिखाएंगे, आसियत क्या है, क्या चीज़ है उसको आसियत खाना है। वो देखो हंस रही है सुन के, बहुत 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 हंस रही है, आसियत खाएँगे आज। We'll be right back.
फ्रेंड्स देख ही रहे हो हमारा खाना आ गया। तो ये है खाना, तो जिमजम ने लिया ये वाला, ये है टोटल एक प्लेट होता है, पूरा प्लेट, इसमें सलाद है, ये देखो सलाद है, सलाद के साथ है फ्रेंच फ्राइज जिसको बोलते हैं, ये है चावल एक टाइप का और एक टाइप का चावल, ये दो टाइप का सॉस है, और इधर है चिकन, चिकन बुशेट मतलब वो चिकन ग्रिल, और इधर है मटन ग्रिल, लैम ग्रिल जिसको बोलते हैं। तो मैंने लिया है, देखो मेरा वाला देख सकते हो, मैंने लिया है ये वाला प्लेट, ये मैं सैंडविच लवर हूँ तो मैं चावल उतना अच्छा नहीं खाता, तो मेरा वाला देख सकते हो, ये है आनियो, आनियो ग्रिल करके एक सैंडविच, और ये फ्रित, और ये है अल्जीरियन सॉस, तो और ये ब्रेड उसके साथ जिमजम के साथ ब्रेड दिया है। तो ये सारा ये जिमजम अकेले खाएंगे, मैं देखो कम खाता हूँ। तो जिमजम ने अभी स्टार्ट कर दिया, देख सकते हो पहले जिमजम आज रिव्यू देंगे, आज मैं नहीं पहले जिमजम देगा, उसको ज़्यादा भूख लगा, तो एक एक करके जिमजम आप लोगों को बताएगा कौन सा चीज़ उसको कैसे कैसे लग रहा है। कैसा है जिमजम? ओहो बांग्ला में, हाँ बंगाली जितना भी हो जब खाने का तारीफ करने का बात आता है तो बंगाली में ही सही है, बांग्ला में ही सही है ना? जस्ट टू गुड, बहुत टेस्टी है। मैं पहले भी खाया था पर पहले फर्स्ट टाइम मैं उंगली पे आई सही में बहुत टेस्टी। मेरा बारी है, जिमजम ने फिर दिखा दिया, तो मैं देखो फ्रेंच फ्राइज खा रहा हूँ, नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज का कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ अलग से रिव्यू देने का ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी दे रहा हूँ। ये देखो फ्रेंच फ्राइज उसके साथ अल्जीरियन सॉस, मेरा फेवरेट, इधर सबका फेवरेट है, हम एशियन का सबसे फेवरेट है अल्जीरियन, बाद में कभी कोई वीडियो में इसका सारा रिव्यू दूंगा अच्छे से, अल्जीरियन सॉस क्या होता है। अच्छा फ्रीज का कोई अलग से कोई कुछ डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता, फ्रीज फ्रीज ही होता है पता है फ्रेंच फ्राइज। तो अभी जो नेक्स्ट है मेन कोर्स, जो मेन जिसके लिए आए हुए देख सकते हो आप, सो टेम्पटिंग, ये देख सकते हो आप, इसको खाऊंगा तो ये खा के आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये सारा जो है ये जो है बेसिकली मटन है, मटन को काट के उसको ग्रिल करके फिर इसको डाला है इस सैंडविच के अंदर, तो ये मेरा फेवरेट है, तो ये खा के फिर दिखाऊंगा आपको। तो पता है इसका खाने का सिस्टम है अलग, इसको ऐसे नहीं खा सकते हो, वो जैसे वो असीद खा रहा है खोल खोल के जिमजम, ऐसे नहीं खा सकते, तो इसको खाना है तो मुंह बड़ा करके फनी तरीके से खाना होगा। तो आप देख सकते हो, ये देखो मैं लिया इसको ऐसे, इसको बंद किया, देखो देख सकते हो आप, माइंड ब्लोइंग। जस्ट टू गुड, असाधारण खेते, असाधारण नेक्स्ट लेवल फ्रेंड्स, बांग्ला में इसको बोलना ही होगा एक्सप्रेशन क्योंकि हम बंगाली है, जस्ट ऑसम, इट्स टेस्ट टू गुड, तो मस्ट ट्राई है। असी ठीक है जिमजम का, पर ये मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट, तो कोई भी अगर पेरिस में आओ, अगर इंडिया में भी ऐसा मिलता है कोई भी जगह, तो मस्ट ट्राई है। और आपको तो पता ही है ग्रिल, ग्रिल का कोई आइटम भी है तो ऐसे ही वो अच्छा लगता है, तो बहुत 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 टेस्टी है। तो अभी हम मील पूरा करेंगे हमारा, और जिमजम के पास से एक चीज़ लिया जिमजम ने मेरे को दिया, तो बाद में मैं भी खाऊंगा उसका क्योंकि उसको तो पूरा खाना नहीं होगा, जो प्लेट है आप लोगों ने देखा पूरा तो उससे नहीं हो पाएगा, तो मेरे को तो हेल्प करना ही पड़ेगा, तो सोच सकते हो बेनिफिट मेरा ही है क्योंकि पूरा तो उसके पेट में नहीं जाएगा। तो अभी ट्राई कर रहा है, वो नहीं चलेगा मेरे को पता है, तो बाद में उसके साथ उससे फिर भी उसने अभी ये दिया मेरे को, तो ये देखो पूले बुशेत, बहुत सॉफ्ट है, बहुत जूसी है, मतलब एकदम परफेक्ट कुक है, ज़्यादा भी नहीं पका, कभी कभी होता है ज़्यादा ग्रिल हो जाने से चूई हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा सॉफ्ट है जूसी है। तो अभी ये खाऊँगा आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल, असाधारण, थोड़ा सा सलाद। तो आज आना निकलना 100% वर्थ हुआ, और खाना भी वैल्यू फॉर मनी है,
फिलहाल लग रहा है, बाकी खाना खा के फिर बोल रहा है सारा कुछ। हमारा खाना ख़त्म, पूरा पेट पैक्ड अप हो गया। देखो मैंने पोटैटो फ्राई मतलब फ्रेंच फ्राई मैंने नहीं खाया, मेरे से नहीं हो पाया और खाना पैक्ड अप। चिमचम का प्लेट ऑलमोस्ट साफ है पर वो देखो बोलेगी अभी सच अभी निकल के बाहर आएगा अभी सही। मैं ही बोल देता हूँ, उसको बोलने का ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो मेरा बदनामी ना करो इतना। तो फ्रेंड्स मैंने इसके प्लेट से मैंने दो आनियो टिक्का मतलब आनियो ग्रिल और एक चार टोटल मैंने खाया। तो इसने राइस सारा कुछ खाया पर मेरे से कम खाया, मैंने ऐसे तैसे करके ज़्यादा खा लिया इससे तो ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। पहले मैं अपना बहन के जब मेरा सिस्टर के साथ घर में रहता था शादी के पहले, तो उससे सारा ऐसे करता था, खुद खा के फिर उससे खाता था। अभी चलो बीवी के साथ ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरा सिस्टर को उसको मैं एक मैसेज दूंगा। चीना तो एक फूड स्ट्रीट बोलकर एक चैनल आता था, फूड नेशनल जियोग्राफी क्या कुछ ऐसे चैनल पे, भूल गया मैं बचपन में। तो वो जब देखते थे ना हम लोग बाहर का खाना दिखाता था, तो वो लोग ऐसे सैंडविच बाहर का खाना खा के ना फिर ऐसे दिखाता था और बंगला में ट्रांसलेट करता था। तो बोलता था अम्मी शॉप एखन एक्टा एखन खे नेबू, तो वही बात बहुत याद आता है। तो चलो अगर आप लोगों के विशेष से आगे कुछ अच्छा हुआ तो उसको भी लाएंगे, वो एक साथ खाना खाएंगे इधर सिस्टर के साथ। तो अभी ये छोटा सा चीज़ शेयर किया, एक मेमोरी याद आ गया। तो अभी खाना हमारा ख़त्म, पूरा प्लेट साफ हो गया। तो अभी फिर जाएंगे घर। और खाना कैसा लगा आपको बोल रहा हूँ, खाना बहुत 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 अच्छा था, 100% सेटिस्फाइड खाना खा के, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि खाना अच्छा था। और हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा था इनका, जिसका जो भाई है जो अपना एक वेटर है, वेटर भाई बहुत अच्छा था। उसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था तो हमारे लिए थोड़ा आसानी हो गया, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इन कंपैरिजन फ्रेंच। फिर भी उसने बहुत हेल्प किया और किचन में भी जो भी बंदे थे अच्छे से वीडियो करने दिया ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बहुत कोऑपरेट किया। वो उन लोगों ने अभी सब्सक्राइब भी किया है उन लोगों ने कि वीडियो देखेगा। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, तो आज इधर ही ख़त्म। अभी हम निकलने वाले हैं, जाएंगे। और जाने के पहले आपको एक चीज़ बोल के जाएंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ज़रूर मिलेंगे सामने। सो फ्रेंड्स बाय, सभी को बाय। सो सभी बाय दे रहा है, बहुत अच्छा है ये लोग, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा किया हमने, शुक्रिया बोल रहा है। तो देखो इनको भी थोड़ा सा लैंग्वेज आता है, तो बाय। तो बहुत 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 अच्छा है ये लोग, बहुत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा है। तो बहुत मज़े से वीडियो किया, दिल खुल के वीडियो किया। तो सब्सक्राइब भी कर दिया उन्होंने, वो देखेंगे रात को, ज़रूर देखेंगे, इतना अच्छा है। उन्होंने खुद बोला कि सारा वीडियो करो, हमारा जो है सारा रेस्टोरेंट का पूरा वीडियो करो, देख ही सकते हो हमारे पीछे। तो बहुत मज़ा किया फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आप लोग भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना हमने एंजॉय किया। खाना बहुत अच्छा था, खाना सही में अच्छा था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट था इधर का ग्रिल। तो अभी हम जाएंगे फ्रेंड्स घर में। तो आज के लिए बस इतना ही, सब अच्छे रहो, मज़ा करो। मैं और जिमजम अभी घर पे निकल रहे हैं। सो बाय फॉर नाउ, फिर मिलते हैं कई दूसरे वीडियो में। तो बाय फ्रेंड्स, एंजॉय।